नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्यभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय राष्ट्र पर एक अनदेखा और एक अदृश्य संकट जो पूरे विश्व को लील लेने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो मैं अपने 20,000 दर्शकों के लिए ही नहीं बना रहा हूं, बल्कि ये वीडियो मैं उन सभी भारतीयों के लिए बना रहा हूं जो इस समय संकट की इस घड़ी को या तो समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आपकी आसान भाषा में कोरोना वायरस को समझाऊँ और आपको समझाऊँ कि इसकी दवा या औषधि अभी तक विश्व क्यों हासिल नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये वायरस कोरोना जो अभी तक के जो विश्वसनीय WHO के जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार से पता चला है कि ये वायरस चमगादड़ में पाया जाता था, लेकिन चमगादड़ों के मांस का सेवन की वजह से ये मानव में जंप करके आया है, मतलब कूद कर आया है मानव प्रजाति में। तो दोस्तों, ये एक समस्या पहले थी कि एनिमल टू मैन ट्रांसफ्यूज हो रहा था, एनिमल टू मैन कम्युनिकेट कर रहा था, एनिमल टू मैन यानी कि पशु से मानव में संक्रमण फैला रहा था। लेकिन दोस्तों क्योंकि इस चीज़ को यहाँ एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि इसने जब चमगादड़ से मानव को संक्रमित किया, उसी वक्त जैसे कि आज आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं, जैसे 10.1 वर्जन चल रहा है और एकाएक आपको अपडेट मिलेगा और आपकी मोबाइल के फंक्शन या उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन आ जाता है। कैसे? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट कर लेता है। उसी तरह इस वायरस कोरोना ने जैसे ही ये मानव में संक्रमण फैला रहा था, उसी वक्त क्योंकि मानव के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जो आपको बाहर के विषाणु जीवाणु से बचाती है, जब जैसे ही संक्रमण शुरू हुआ होगा उस मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उसे रोकने की कोशिश की, वहीं पर इस वायरस ने अपने आप को अपडेट कर लिया। इसलिए इसका नाम COVID-19 नोवेल कोरोना रखा गया, क्योंकि एक नोवेल वायरस है। तो दोस्तों, सिर्फ एक बार नहीं अपडेट कर सकता ये वायरस अपने आप को। अब आप यहाँ से जो चिंता का विषय है उसको समझिए, जैसे ही कोई औषधि या दवा इसको मारने के लिए प्रयास में लगाई जाती है या मनुष्य को दी जाती है, ये वायरस बार बार अपने करेक्टर को बदल लेता है, ये बार बार अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो दोस्तों, यह एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी दवा क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये वायरस बार बार अपने आप को बदल रहा है। यदि आप इसको आग समझकर इस पे पानी डालने की कोशिश करेंगे तो ये बर्फ़ बन जाता है, यानी कि उस पानी का असर कुछ नहीं होने जा रहा है इस पर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ये है कि ये वायरस अब भारत में आ चुका है। तो आप लोगों को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने और जितने भी बड़े नेता थे, वो चाहे यहाँ पर आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप किस जाति धर्म किस रंग रूप किस देश या किस प्रदेश से संबंधित हैं, ये भूलना पड़ेगा आपको। यदि मानव जीवन को संभालना है तो आपको ये भूल कर सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या फिर आपके DM या फिर आपके क्षेत्र के जो कुछ जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी बातों पर अमल करना पड़ेगा, तो इस मानव समाज या भारत को आप बचा सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। तो मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, कम से कम 6 फीट की दूरी आप बनाए रखें, ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए बाजार जाएं, उसके अलावा कोई भी कार्य जो अनावश्यक रूप से आप बाहर ना निकलें, क्योंकि जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि यह वायरस आपको एक दूसरे से छूने छींकने या फिर एक दूसरे के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, मतलब जैसे खून थूक पेशाब, इन सब के कांटेक्ट में आने से वायरस कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कि इसका परिवार बढ़ रहा है। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ये अभी 500, 300, 500 और 600 यानी कि इसकी गति भी बढ़ती जा रही है। तो आप सभी इस समय जहां तक हो सके, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस शुरू हो रहा है, नव दुर्गा की पूजा करिए, अपने घरों पर रहिए, मंदिरों को बंद कर दिया गया है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अपने बच्चों को हाथ धुलाइए, अपना हाथ धुलाइए, बाहर जाइए तो वहाँ से लौटने के पश्चात अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो गर्म पानी और फिटकरी, ये चीज़ आप फिर से सुन लें, गर्म पानी और फिटकरी को एक में घोल के उबाल कर रखे रहें
और हाथ साबुन से धुलने के बाद वो एक सैनिटाइजर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप लोहबान, धूप या हवन सामग्री को अपने घरों में बार बार जलाते रहें, जिससे आपका वायु प्रदूषण दूर होता रहेगा। आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल आया होगा कि वायु से फैलता है क्या? नहीं, ये वायु प्रदूषण से नहीं फैलता है, लेकिन यदि आपके आसपास की वायु संक्रमण रहित है तो आपके हाथों को भी वो सैनिटाइज करती रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना है कि सिर्फ आप अपने आप को बचाकर नहीं बचा सकते, आपको अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है, आपको अपने गांव या आपको अपने कॉलोनी या आपको अपने शहर में भी ये ख्याल रखना है। तो जहां तक आपके हाथ पैर फैलें, जहां तक आपकी बात पहुंच सके, कोशिश करिए, एक योद्धा बनिए। इस समय देश को, राष्ट्र को बचाने के लिए आप सभी को सिपाही बनने की जरूरत है। लग जाइए, जुट जाइए समाज के कार्य में, सबको जागरूक करिए, क्योंकि सिर्फ जागरूकता ही अब आपको बचा सकती है। बाकी अब आपको ईश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर बचाने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म है। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, ये संख्या करोड़ों में तब्दील हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप सभी अगर जागरूक हैं तो इसको चीज़ को समझिए। और एक चीज़ और मानिए कि सत्य सनातन की अपनी परचम इस बार स्वयं ईश्वर ने लहरा दिया। जो बताना चाहिए था हमारे पूर्वजों ने, जैसा कहा था कि किसी को छूना नहीं है, आप अपने खाने को साफ रखें, खाने वाली जगह पर गंदा चप्पल पहनकर ना जाएं, वो सारी संस्कृति पूरा विश्व अपनाने पे मजबूर हुआ है। और भारत, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत ऐसे स्वच्छता स्टैंडर्ड्स को पहले से जानता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ये नियम बनाए थे। आज वो लोग जो शायद जाति प्रथा इन सब के नाम पर बार बार राजनीति करके लोगों को गालियां दे रहे थे, उनकी बुद्धि का विकास हो चुका होगा, वो समझ चुके होंगे क्यों समाज को विभाजित कर कर रखना ही सुरक्षित स्वास्थ्य सुरक्षा की जा सकती है। वो विभाजन मानसिक विभाजन नहीं था, वो विभाजन समाज के लोगों का विभाजन नहीं था, वो छोटे बड़ों का विभाजन नहीं था, बल्कि वो विभाजन आपको इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए था। ये महात्रासदी उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा भी है जिन्होंने स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं की थी, जिन्होंने हमारी खिल्लियां उड़ाई थी, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बड़ा बुरा कहा था, ये तमाचा है उनके लिए। फिलहाल ये वक्त ऐसे लोगों से बात करने का नहीं, बल्कि सम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया माँ भद्राणी पश्यंतु कश्चित दुख भाग भवेत, ये सोचने का है। तो मित्रों, जैसा हो सके, जहाँ तक हो सके, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, और हाथ धुलते रहें, अपने घरों में बंद रहें जब तक कि सरकार कोई गाइडलाइन इशू नहीं करती है। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज फिर विदा लेता हूँ। नमस्कार।